नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन कोचिंग करके ALP या टेक्नीशियन बन सकता हूं, तो इसका उत्तर है बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप लगन और मेहनत से पढ़ाई करें तो आप ऑनलाइन ही पढ़कर ALP का या टेक्नीशियन का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हमारे साथ के भी कई बच्चे थे जिन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ा था, ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी, जिसमें से पिछला इंटरव्यू था आपको याद होगा मोहित श्रीवास्तव जी का, उन्होंने ऑनलाइन ही पढ़कर ये एग्जाम क्रैक किया था। तो मैंने कई लोगों से सजेशन लिया अपने ग्रुप में और उनसे जो अच्छे टीचर निकल के आए या जो अच्छा इंस्टीट्यूट निकल के आया है मैं उनकी कोचिंग आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप GS पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो हमारे इंडिया में फेमस है खान सर, आप उनका बैच ले सकते हैं या YouTube पर उनके वीडियो देख सकते हैं। और दूसरे जो GS के अच्छे टीचर हैं वो SSC अड्डा के पवन मोरल सर हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मैथ। तो मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर फ्री भी पढ़ना चाहते हैं तो इनके बैच फ्री भी अवेलेबल है YouTube पर। तो ये हैं साहिल खंडेलवाल सर और इनके चैनल का नाम है क्विक ट्रिक बाई साहिल सर, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। इनसे मैं भी पढ़ता था ऑनलाइन, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और दूसरे टीचर हैं गगन प्रताप सिंह, तो आप इनसे भी मैथ पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। और इसके बाद आते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर का जो चैनल है उसी में ही पढ़ाते हैं आकाश चतुर्वेदी सर, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। या फिर एक वाईफाई स्टडी के सर हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साइंस। साइंस के लिए मैंने बहुत ही रिसर्च की और बहुत लोगों से पूछा, तो सबसे ऊपर नाम निकल के आया है नीरज जांगड़ सर का, इनसे मैं भी पढ़ता था। तो इनके चैनल का नाम है साइंस मैग्नेट, तो आप वहां से, ये फ्री भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे इनकी क्लासें फ्री भी अवेलेबल है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं साइंस मैग्नेट में नीरज जांगड़ सर से। और दूसरा जो नाम है वो नितिन ग्रेवाल सर हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जरूरी ये नहीं होता कि हम पढ़ किससे रहें, जरूरी ये होता है कि हम जिससे पढ़ना स्टार्ट करें उसी के उन्हीं से कंटिन्यू पढ़ते रहें, तभी सारे डाउट आपके क्लियर होते रहेंगे। आप मान लीजिए आज खान सर से पढ़ रहे हैं, कल पवन मोरल सर के पास चले गए, वो दूसरी चीज पढ़ा रहे होंगे, ये दूसरी चीज पढ़ा रहे होंगे, तो आप दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिनसे भी पढ़े, टीचर सारे अच्छे होते हैं और बच्चे भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, तो आप जिनसे भी पढ़े उनसे कंटिन्यूअस होकर कुछ महीने तो दें, एटलीस्ट 2-3 महीने, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको इनकी लैंग्वेज या इनका जो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इनसे पढ़िए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेस्ट बुक की स्पीड टेस्ट नहीं खरीदा है तो उसको परचेज करिए और टेस्ट देना स्टार्ट करिए। तो टेस्ट बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और अगर उस पर कूपन कोड अगर आप मेरा यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। और एक किताब है सार संग्रह, जिसका मैंने पिछले भी वीडियो बनाया था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं, बढ़िया किताब है, उसमें 27,000 क्वेश्चन है। और सबसे जरूरी है कि आप पढ़ते रहें, कंटिन्यूअस पढ़ते रहें, तो कहीं ना कहीं वो आपको फायदा जरूर देगा। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर एक सीरीज मैं छोटी सी शुरू किया हूँ क्वेश्चन आंसर की शॉर्ट सीरीज, जिसपे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, वो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे, कारगर साबित होंगे, तो आप उसको भी डेली अटेंड कीजिए, 6 बजे अपलोड हो जाता है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।